हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे क्रॉचेट एयर रिंग्स इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रॉचेट थ्रेड एंकर का थ्रेड है ये नंबर एट हुक जीरो पॉइंट फाइव एम एम सीजर फैब्रिक ग्लू मल्टीपर्पस ग्लू स्टूट स्टॉपर जंप रिंग यर और स्टार्च तो चलिए फ्रेंड्स से हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे सेकेंड चेन में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे फिर से नाइन चेन बनाएंगे सेम पैटर्न में पैटल बनाएंगे इस तरह से फाइव पैटल्स बना लेंगे फाइव पैटल्स बना लिए नेक्स्ट रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे थ्रेड को खींच कर टाइट करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट वाले स्टिच में फर्स्ट पैटल के फर्स्ट वाले स्टिच में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट मिडिल में सिंगल क्रोशे बनाएंगे टॉप में यहाँ वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट टू चेन वन टू सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट टर्न करेंगे फर्स्ट वाली स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्ट्रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे नेक्स्ट सेम पैटर्न में पेटल बनाएंगे इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे फाइव पेटल्स बना लिए नेक्स्ट स्विंग में स्लिप स्टे डालेंगे स्ट्रेट को कट करेंगे स्ट्रेट को खींच कर टाइट करेंगे इस कर तरह से फर्स्ट लेयर बना लेना है नेक्स्ट सेकेंड लेयर बनाएंगे रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे सेकंड चेन में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 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 स्रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे फिर से एट चेन बनाएंगे सेम पैटर्न में पेटल बनाएंगे इस तरह इस रिंग में हम फाइव पेटल्स बना लेंगे फाइव पेटल्स बना लिए नेक्स्ट इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे स्ट्रेट को खींच कर टाइट करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट पेटल के फर्स्ट स्टिच में स्लिप से डालेंगे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट टॉप में है मिडिल में सिंगल क्रोशे बनाएंगे सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन वन सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट टर्न करेंगे इधर से फर्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच नेक्स्ट रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे सेम पैटर्न में नेक्स्ट पेटल बनाएंगे इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे फाइव पेटल्स बना लिए नेक्स्ट रिंग में डालेंगे को कट करेंगे इस तरह से सेकंड लेयर बना लेना है नेक्स्ट से बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन बनाएंगे वन टू थ्री नेक्स्ट स्ट्रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे इस तरह इस रिंग में सेवेंटीन डबल क्रोशे बनाएंगे सेवेंटीन डबल क्रोशे बना लिए स्ट्रेट को खींचेंगे नेक्स्ट यहाँ थ्री चेन बनाए हैं वन टू थ्री नेक्स्ट यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशे बनाए फर्स्ट डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे थ्रेड को कट करेंगे इस तरह से इसे बना लेना है यहाँ हम थोड़ी सी होल रखेंगे नेक्स्ट इसे बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन बनाएंगे वन टू थ्री नेक्स्ट रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे इस तरह से रिंग में फिफ्टीन डबल क्रोशे बनाएंगे फिफ्टीन डबल क्रोशे बना लिए थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे नेक्स्ट यहाँ थ्री चेन बनाए वन टू थ्री नेक्स्ट हम डबल क्रोशे बनाए हैं फर्स्ट डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे थ्रेड को कट करेंगे नेक्स्ट स्मॉल साइज के सर्कल बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन वन सरिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे इस तरह में एट सिंगल क्रोशे बनाएंगे एट सिंगल क्रोशे बना लिए स्ट्रेट को खींच कर टाइट करेंगे फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे थ्रेड को कट करेंगे नेक्स्ट सिलेंगे, इसके बैक साइड में थ्रेड है इसे हम फ्रंट की ओर ले आएंगे मिडिल में हुक डालेंगे थ्रेड को फ्रंट की ओर ले आएंगे इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेड को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे नेक्स्ट इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेड को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे नेक्स्ट इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे बॉर्डर में इस तरह से ग्लू लगाएंगे मिडिल में ग्लू लगाएंगे इस तरह से सारे पेटल्स के बैक साइड में हम ग्लू लगा लेंगे इस तरह से ग्लू लगा लेना है नेक्स्ट यहाँ मिडिल में ग्लू लगाएंगे इसे हम फर्स्ट लेयर के ऊपर तरह से चिपका देंगे से लेंगे इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेड को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेड को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे नेक्स्ट इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे मिडिल में ग्लू लगाएंगे इसे हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे नेक्स्ट इसके बैक साइड में स्टार अप्लाई करेंगे इस तरह से सारे पेटल्स के बैक साइड में हम स्टार अप्लाई करेंगे इस तरह से स्टार अप्लाई करना है नेक्स्ट इसके बैक साइड से इस तरह से वेट की हेल्प से प्रेस करेंगे सेप देंगे इस तरह से सेप देना है नेक्स्ट मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे नेक्स्ट इसके बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे दोनों थ्रेड को चिपका देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे के बैक साइड में ग्लू लगाएंगे से हम मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे इसके बैक साइड में स्टार सप्लाई करेंगे इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे जंप रिंग लेंगे खोलेंगे इसे हम यहां इस तरह से डालेंगे नेक्स्ट से हम यहाँ बॉर्डर में डालेंगे इसको बंद करेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे से हम इसके बैक साइड में इस तरह से चिपका देंगे फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है इसमें हम स्टॉपर डालेंगे फ्रेंड्स हमारे दोनों इयर रिंग्स रेडी है आप भी इसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही ईजी है बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स है ये